गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू आसा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर आई एम आर शग्नोत्री आई टीच यू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास एट स्टूडेंट आज हम लोग यहाँ से रीड करते हैं द अलाइंग एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द एच आर एलिमेंट द एलाइनमेंट कैन बी लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन एक्टिब्यूट का यूज़ एच आर एलिमेंट के अलाइन को सेट करने के लिए भी किया जा सकता है अलाइन रेफ्ट राइट और सेंटर में किया जा सकता है एच आर टैग में अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं इसमें लेफ़्ट राइट right और सेंटर में आप उसमें एच आर टैग का यूज़ कर सकें नेक्स्ट है एलिमेंट पी एलिमेंट आज हम लोग एडिट करेंगे पी एलिमेंट ए वेब ब्राउज़र इग्नोर ऑल द ब्लैंक स्पेस बट वैन एवर ए ब्राउज़र नोटिस द पैराग्राफ टैग It inserts a blank line and start a new paragraph. The p tag is the HTML tag for inserting a paragraph back at the given place in the text. The p element has an aligned attribute which take three values: center, left, and right. The following code illustrates the use of p tag. एक वेब ब्राउजर सभी ब्लैंक स्पेस को अनदेखा करता है लेकिन जब भी कोई ब्राउजर प्रोग्राम टैग को नोटिस करता है यह एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करता है और एक नया पैराग्राफ शुरू करता है पी टैग टैक्स के लिए प्लेस में एक पैराग्राफ ब्रेक डालने के लिए एस टी एम एल टैग है पी एलिमेंट में एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है इसकी वैल्यू थ्री है लेफ्ट राइट और सेंटर निम्न कोड पी टैक् को यूज़ के लिए दर्शाता है ये देखिए यहाँ पे इसका कोड दिया गया है पैराग्राफ पी एलिमेंट का यूज़ किया गया है इसके लिए कोडिंग है आप कैसे पैराग्राफ डालेंगे यहाँ पे एस का स्टार्टिंग और एंडिंग दिया गया है हेडिंग के लिए दिया गया है हेड टैग दिया गया है और यहाँ टाइटल फिर उसके बाद बॉडी टैक्स टाइप किया गया पैराग्राफ लिखना चालू किया गया है उसके लिखने के पहले इन्होंने पैराग्राफ टैग यूज़ किया है पी और यहाँ से पैराग्राफ टैग है पैरा है फिर उसके बाद ब्लैंक लाइन आए यहाँ पे फिर देखिए टैग पी का यूज़ किया गया है और यहाँ देखिए दोनों पैराग्राफ के बीच में आपको ये ब्लैंक लाइन मिलेगी ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो इस तरह से शो करेगा